नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के फ्रेंड्स कॉलोनी में खाली करवाई गई डेयरी। कोर्ट के आदेशों के तहत नगर परिषद व पुलिस प्रशासन ने करवाई डेयरी को खाली। चार गायों व दो भैंसों को कब्जे में लेकर डेयरी को खाली करवाया गया। दो साल पहले आया था कोर्ट का नोटिस। बार बार नोटिस व चेतावनी के बावजूद नहीं किया जा रहा था डेयरी को खाली। आप देख रहे हैं पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। कोर्ट के आदेश से आज सिरसा की आवासीय क्षेत्र में बनी हुई फ्रेंड्स कॉलोनी में पिछले दो वर्षों से चल रही डेयरी के खिलाफ नगर परिषद व पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए डेयरी को खाली करवाया गया। डेयरी में मौजूद चार गायों व भैंसों को अपने कब्जे में लेकर गौशाला पहुंचाया। फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली बीरमती के खिलाफ पड़ोसियों ने करीब दो साल पहले न्यायालय में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि आवासीय कॉलोनी में डेयरी की वजह से बीमारी होने का डर लगा रहता है। कोर्ट ने उस समय डेयरी को बंद करवाने का फैसला सुनाया था। नगर परिषद के बार बार नोटिस व चेतावनी के बाद डेयरी को बंद किया गया। अब एक बार फिर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए दो दिनों के अंदर अंदर डेयरी को बंद करवाने के आदेश दिए हैं नगर परिषद प्रशासन को। आपको बता दें कि नगर परिषद के मुख्य सफाई निरीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद कई बार नोटिस दिए जाए गए थे डेयरी वालों को, लेकिन बीरमती ने डेयरी बंद नहीं की। उन्होंने बताया कि आज इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए डेयरी को खाली करवाया गया है। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। राम सिंह बच्चे ने बात कोर्ट का फैसला है 2016 के अंदर परमान लोक अदालत का फैसला है कि इसके यहाँ से हटाई जाए डेयरी। पड़ोसी ने इसकी शिकायत कर रखी थी जो पशुओं की वजह से मेरे को दिक्कत है, बीमारियाँ फैल रही है ये है। तो कोर्ट ने 2016 में फैसला किया था, तो हम उसको कहते रहे एक दोबारा हटाई भी है, उठा के ले गई है, दोबारा फैल जाती है ये। आज हमने सोचा कि हम लेके जाएंगे इसकी, क्योंकि वो खुद तो चली गई यहाँ से, वो जान के चली गई है विज्ञापिता मेरी रह जाए। तो आज कोर्ट में तारीख थी, आज हमने उनको लिया भी, हमने इसके आज या कल में इसको जरूर मूव कर देंगे। ये वीरमती देवी, वीरमती भाई फो इंद्रजीत, इनको काफ़ी टाइम पहले भी आपने, हाँ काफ़ी टाइम पहले भी आए हम, दो तीन बार आ चुके हैं, इनको हटा भी दिए हैं, हटा के यहाँ से खोल के पल्ली शाड़ी में जाके बांध देती है, फिर शाम को जाके फिर बांध देती थी। कभी वो गौशाला में रुकूँगा इसको, इसको अगर ये लिख के देगी हमारे को भी वहाँ पे पशु नहीं बांधूंगी, तो इसका फाइन लगा के हम पशु दे देंगे।